Welcome to Biology Parshala. Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर सीरीज और सिस सेट नंबर सीरीज का नेम है सेट नंबर 6। आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से। बेटा, जैसे आपके शरीर में सांस का होना जरूरी है, वैसे ही लाइफ में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी अपने आप को भी कुछ कामों के लिए शाबाशी दे देनी चाहिए। आप बहुत सारे काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत हो, कभी कभी इंटरनल मोटिवेशन या फैक्टर की भी जरूरत होती है। सो इट इज डू टू ओन सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को ही मोटिवेट करिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन, पादप में लैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। पादप में जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप में लिंग जनन की विधि, देखिए बहुत सरल है और इसे फ्लो डायग्राम से अगर आप समझ लें तो इसकी आप परिभाषा और कोई भी क्रियाविधि लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे समझ करके चित्र भी बना सकते हैं। देखिए, ये एक नर पुष्प है, अगर हम इसे कह लें मादा पुष्प, नर पुष्प से नर युग्मक या युग्मकोद्भिद जो भी बोल सकते हैं युग्मक, और इससे मादा युग्मक। अब ये नर युग्मक में पुंकेश्वर, ठीक है, सब पार्ट होते हैं और स्त्री केशर, ठीक, इसे पराग कोश पाया जाता है और इसमें वर्तिकाग्र और पराग कोश में क्या होते हैं पराग कण और इसमें जायांग, ठीक है। अब ये पराग कण परागण की क्रिया करके अब किसके द्वारा, तो देखिए जल वायु पक्षी कीट इन सबके द्वारा क्या करेंगे परागण क्रिया करेंगे और परागण की क्रिया करने के बाद इनमें क्या होगा निषेचन। बेटा जब इनमें निषेचन हुआ तो निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। क्या बनता है युग्मनज? युग्मनज क्या होता है हमेशा द्विगुणित, क्या होता है द्विगुणित, द्विगुणित मतलब 2n, क्या होता है 2n। अब युग्मनज के बाद कुछ समय पश्चात लगभग 24 घंटे की अवधि, उसके बाद क्या बनेगा भ्रूण? बच्चों थोड़ा नीचे ले आए, संरचना बन नहीं पाएगी फिर भ्रूण। बेटा भ्रूण क्या होता है त्रिगुणित, क्या होता है त्रिगुणित, याद रखो क्या होता है बेटा 3n, बात समझ में। अब ये भ्रूण से किसका निर्माण होगा बीज का, किसका होगा बेटा बीज का। अब ये बीज क्या करेगा बच्चों, अंकुरण करेगा, क्या करेगा अंकुरण। अब ये अंकुरण करके, रुकिए हम इसे नीचे लिख देंगे, इस क्वेश्चन को बच्चों मैं नीचे लिख दे रही हूं। अब ये जो अंकुरण करके इट मे बी अ डेवलप इनटू अ मेल फ्लावर और ए फीमेल फ्लावर, ओके, इट इज अ पॉसिबल दैट बोथ कन्वर्टेड, ठीक,
male gametophyte, take pistil, take nar yugmak. इससे बॉक्स में बंद कर देंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़िया रहती है, देखने में अच्छा लगता है और मार्क्स भी काफी बढ़िया मिल जाते हैं. सो ये जो क्रिया है ये पादपों में, ऐसे लिख दूं मैं, आवर्ती बीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया विधि, लैंगिक जनन की क्रियाविधि ये है. देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं. नर पुष्पा नर युग्मक होते हैं, पुंकेश्वर होते हैं. ठीक, और ऐसे ही मादा युग्मक, मादा पुष्प मादा युग्मक हो गए, स्त्री केशर होंगे. पराग कोष में परागकण का संवर्धन होता है. पराग कोष में किसका संवर्धन होता है? परागकण का. किसका होगा बच्चों? ये अलग से क्वेश्चन पूछ जाता है. तो पराग कोष में परागकण का क्या संवर्धन होता है? परागण क्रिया के द्वारा, जल वायु पक्षी कीट की सहायता से. ये क्या करेंगे? पहले वर्तिक, यहाँ से है मादा पुष्प मादा युग्मक स्त्री केसर, वर्तिकाग तक आएंगे, जायांग से निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करेंगे. अब ये जो युग्मनज होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, टू एंड होते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है एमसीक्यू में. युग्मनज या जायगोट के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के पश्चात क्या बनता है? बीज. क्या बनेगा? बीज. अब इस बीज का अंकुरण होगा और ये अंकुरण करके मादा पुष्प में नर पुष्प में डेवलप होगा. ये बात आपको बतानी है और ये डायग्राम बनाना है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. पसंद में आ रही? आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, देखिए थोड़ा सा, देखिए अगर आप समझ लें तो काफी सारी चीजों को कर सकते हैं, आपको चीजें बोझ नहीं लगेंगी. अब कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट तथा जन नियंत्रण पर निबंध लिखिए. देखिए हम कुछ चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान में रख के अगर आप करेंगे, जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण देखिए दोनों का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक ही है. ठीक, अगर जनसंख्या जो विस्फोट हो रही है उस पे नियंत्रण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जन्म नियंत्रण पे भी क्या करना पड़ेगा? जन्म पे नियंत्रण करना पड़ेगा. तो जनसंख्या विस्फोट होती क्या है पहले तो हमें ये समझना है ना कि ये टर्म क्या होता है. देखिए जब किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में कोई भी जीव की जाति है अत्यधिक मात्रा में अगर बढ़ती है तो उसे उस जाति का जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं. परिभाषा क्लियर हुई? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं. जब आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई, तो अब इसके कारण भी पता होना चाहिए. कारण क्या है, क्यों होती है ये जनसंख्या विस्फोट, क्यों हो रहा है? देखिए सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो देखिए सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे? अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना. अब मेरे प्यारे बच्चों एक मैं आपको छोटी सी बात बता रही हूँ, उसे हमेशा याद रखिए. हर चीज को रट नहीं सकते, ठीक है, और हर चीज समझी भी नहीं जा सकती. अब दोनों बात एक साथ कैसे? हर चीजों को बेटा रटा नहीं जाता है, हर चीजें अगर आप ध्यान से समझें तो आप खुद से बना सकते हैं. कुछ चीजों को समझ करके आप उसकी हेडिंग भी बना सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर चीज किताब में उसी तरीके से लिखी हो, आप उसे चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपना खुद का भी कंटेंट बना सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई लग्न के साथ, अच्छी मेहनत के साथ करनी होती है. तो अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना, तो आप बताएंगे कि किसी भी क्षेत्रफल या घनत्व में जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ने से जनसंख्या विस्फोट हो जाता है. अर्थात सबसे पहले इसके नियंत्रण के लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा. ठीक, तो यही बात कि जनसंख्या वृद्धि को क्या करना होगा? रोकना होगा. ठीक, तो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उसको बढ़ने से रोकना होगा.
फिर दूसरी हेडलाइन जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण। अत्यधिक बढ़ी हुई जनसंख्या में नियंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो नियंत्रित हो रही है, बढ़ रही, उनको जागरूक करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो ऐसे काम ना करें कि बहुत सारी जनरेशन को डेवलप करें। तो हमें इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में शैक्षिक जो साक्षरता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जब तक कि शैक्षिक साक्षरता अच्छी नहीं होगी तो मैं ये कहूँ कि मतलब बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है। जितनी ज्यादा शैक्षिक साक्षरता होगी, हम पढ़े लिखे होंगे, लिटरेसी होगी, तो हमें ये ज्ञान होगा कि हाँ जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये बात बताई। फिर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या होगा तो आर्थिक संकट भी आ जाएंगे। आर्थिक संकट इस तरीके से आएंगे परिवार के पालन पोषण के लिए, ठीक, आर्थिक समस्या, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षा तथा रोजगार में भी प्रॉब्लम आती है। शिक्षा तथा रोजगार, अब शिक्षा तथा रोजगार में भी प्रॉब्लम आती है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या विस्फोट, मतलब जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो शिक्षित भी नहीं हो पाएंगे, लिटरेसी भी उतनी नहीं हो पाएगी, रोजगार भी नहीं मिल पाएगा, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। अब कह रहा है ये सारी चीजें आपको पॉइंट, ये हेडिंग है, इन हेडिंग्स में लिखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको कह रहा है कि नेक्स्ट देखें जन्म नियंत्रण, जन्म नियंत्रण पे कैसे आप कर सकते हैं। तो जन्म नियंत्रण के लिए देखिए, अगर आप जन्म नियंत्रण पे की ज्यादा जनरेशन डेवलप ना हो, उसके लिए बहुत सारी मेथड होते हैं, उस मेथड से भी कंट्रोल किया जा सकता है, बाय द वाई क्रोमोसोम एज वेल एज द एक्स क्रोमोसोम, दोनों के थ्रू इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और एक दोनों के मेथड हम यहाँ बता दे रहे हैं, एक है वैसेक्टोटोमी एंड ट्यूबल टोमी, क्या, या ट्यूब कैनालटोमी। तो इन दोनों प्रोसेस से क्या करते हैं, जन्म पर नियंत्रण किया जा सकता है जिससे जनरेशन डेवलप ना हो। तो ये आपको, ये क्या होता है, वाई कैरेक्टर है, और ये क्या एक्स कैरेक्टर है, ठीक है, मेल का है एंड ये फीमेल का है। तो ये आपको याद रखना है और उसे बताना है कि इसमें क्या होता है कि वास इफ्रेंसिया शुक्रवाहिनी काट देता है, इसे अंडवाहिनी या कि, ठीक है, उसको काट दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जेनरेशन डेवलप नहीं होती। तो जन्म नियंत्रण पे ये दो मेथड आप बता सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये अंडी हो गई, 6 7 हेडिंग अगर आप लिखते हैं तो कम से कम 1.5 से ज्यादा पेज भरेगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान सुना तो आप इतना लिख सकते हैं। सो आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। So thanks to all students to watch my पाठशाला, thanks again.